तो चलो ठीक है अपन चलते हैं आगे, चल लेते हैं आगे। और जो गेट मैं ओपन किया था वो दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे, आपको याद होगा ये बड़ा वाला गेट अब ओपन ओपन किए थे। बाकी देखो यार ये सब कंप्लीट हो गया है टोटल, और जो और भाई ये एरिया पूरा जितना था भाई ये गोल्डन नगरी ठीक है और रॉयल कैपिटल ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब ये अपन जा रहे हैं बस नॉर्मली, क्योंकि यहाँ का मेन बॉस था जो मॉर्गोट था, अब रिटर्न आएंगे तब कोई और रहेगा, बट यहाँ से अपने को सीधा निकलना है आगे। और यहाँ पे अब हम लोग नहीं आएंगे, क्या आएंगे अब हम लोग एक बड़े से जाइंट मॉन्स्टर को मार के, और मॉन्स्टर तो नहीं बोलता वो क्या होगा तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन ऐसा है कि भाई अभी फ़िलहाल हमारा यहाँ से अब पूरा कनेक्शन टूट जाएगा और अपन चले जाएंगे थोड़ा सा दूसरे लोकेशन में, और उस लोकेशन में अपने को मिलने वाला है एक बड़ा बॉस भाई, बड़ा ख़तरनाक। और वो आइटम भाई बहुत बेकार है, लेकिन फिर भी मैं लेके दिखा देता हूँ, यूज़लेस है इसको तो मैं लेता हूँ नहीं। हाँ ये आइटम है भाई लेने लायक, इसको ले लेना, ये सोमवार रहेगा, और इसको पता ही नहीं अपन क्या लेके भग गए यहाँ से। तो चलो ठीक है अपन लोग यहाँ से निकल लेते हैं, और यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना भाई, क्योंकि यहाँ पर बैठे हैं ये लोग फालतू लोग। तो मैं बुला लेता हूँ अपने भाई साहब को, अपना हेल्पर, और मैं क्या काम करता हूँ इसी को, इसके बॉस को ही ना टारगेट करता हूँ स्कारलेट रॉड से। तो देखता हूँ क्या डैमेज करता है स्कारलेट रॉड। देखो यार हम लोग का सील अपग्रेड होगा ना, तो सील का पावर भी अपग्रेड होगा भाई, यही खास बात रहता है सील का, कि उससे आप काफ़ी कुछ डैमेज वाला इनकेंटेशन वगैरह ले सकते हो। तो चलो भाई मैं आ गया हूँ नीचे, और छोटे तो स्लो है। तो उसको स्कारलेट रोड लग चुका है वैसे यार, ठीक है ना, और वो अपने से पीछे बच के भाग रहा है, तो मैं उसको स्कारलेट रोड ही मारता हूँ। और चलो फिर लग गया उसको स्कारलेट रोड, अब उसका ज़्यादा टाइम है भी नहीं यार, चलो उसका ज़्यादा टाइम है भी नहीं। और देख रहे हो इसका प्यादा, अब भूतनी के लिए अभी ये गया कहाँ मेरा, अरे ब्लैक नेफ्टी छिच नहीं, बताओ भले इसको कूद डाले ब्लैक नेफ्टी को सब मिल के, ये हट गया वो, नहीं नहीं यार वो ब्लैक नेफ्टी असल में मैं लोकेशन से पार हो गया, आपको एक रेंज में रहना पड़ता है, मतलब वो एक रेंज में ही समान होता है, उस रेंज में ही आपको बस रहना पड़ता है भाई, अब क्या करोगे, अपन लोग खसक लिए वहाँ से। तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है भाई, आगे तो अलग ही लोकेशन आने वाला है, तो जितना यूज़ करना है कर लो अभी, पोषण का कोई टेंशन नहीं है। और ये देखो ये वहीं से ही डर के मारे फेंके पड़े, तो भाई इसका रेंज भी बहुत सही है यार स्कारलेट रोड का। अब है यार आप भूतनी के ले, तो चलो भाई अब यार देखो ये ऊपर से ही मारे पड़ी, इसको कोई वो ही नहीं है, मन में है ही नहीं खेलने का, तो मैं इस आइटम को उठा लेता हूँ। क्या है ये, अब है यार इतना फालतू फालतू आइटम क्यों रखे रहते हैं लोग। और यहाँ पे दो चार लोग हैं बट आइटम नहीं है, तो मैं सीधा चले जाता हूँ, यहाँ से जाना भाई अपने को, तो इधर से आ जाना। और चलो भाई यहाँ से जाना है अपने को ऊपर, और ऊपर में कहाँ जाना है मैं दिखा दूँगा आपको, बिल्कुल नया लोकेशन आएगा भाई, तो समझ लो कि अब उस लोकेशन के लिए बिल्कुल नया ही पार्ट बनेगा भाई, माउंटेन टॉप ऑफ द जाइंट करके है, तो बहुत सही इलाका है यार, मेरे को अगर पूछोगे तो बहुत सही लगता है वो इलाका, क्योंकि वो एंड गेम है यार, उसमें आइटम भी बहुत सही सही मिलते हैं, तो बोल सकते हो कि बहुत सही है करके। तो भाई ये आ गया है अपना, अब यहाँ पे अपने को फाइनली अब ये जगह छोड़ने का समय आ चुका है अपन का, और यहाँ पे एक दो आइटम मिलता है भाई, एक ये बंदूक रहता है इसको मार लेना, नहीं तो ये आपको मार देगा फिर, तो चलो ठीक है। और इन दोनों को तो कोई मतलब ही नहीं, इनका दोस्त निपट चुका है, अबे कसम से मेरे को लगा ये मर चुका है भाई ना, कसम से बता रहा हूँ, ये बचा कैसे यार। चलो ये भी गया, और ये है भाई एक फायर नेगलेक्ट करने वाला तलिस्मैन, आपकी फायर की जो वो रहेगी डैमेज रहेगी उसको थोड़ा सा गार्ड करेगा ये तलिस्मैन, आप थोड़ा सा फायर डैमेज को लेने के कैपिटल आउटस्कर्ट्स।
तो चलो ठीक है भाई, इसको अपन लोग निपटा लेते हैं धनुर्धारी को। और चल भाई निपट जा। और ये देखो भाई, ये है ब्लास्फेमियस, ना लाइफ गया ना कुछ गया, ये पागल कैसे हो रहा है ये? अबे देख तो ले भूतनी के कौन आया है, बताओ। इसको पता है नहीं, डर के मारे अलग ही पागल हो रहा है। चलो ठीक है, इसको पड़ गया एक। ये चल भाई भूतनी के, ये पड़ा कि नहीं पड़ा उसको यार? अभी पड़ा है, अभी एक और पड़ेगा। अब यार चलो ठीक है। अरे गजब भाई, अपने शील्ड से रोक लिया अरे तो मेरे अटैक को, बट अब नहीं रोक पाएगा। चलो ठीक है, निपटा कि नहीं निपटा? निपट गया। चलो ठीक है भाई, ये हो गया यहाँ से अपने को। अब यहाँ पर ना यार एक ठो ये है, इसको मार लेना। ये मेरे ख्याल से सोमवार देता है। और देखो यार बहुत सारे वेपन मिलते हैं, तो मैं बताया हूँ वैसे ही बॉस के सारे वेपन में सोमवार ही लगता है, तो कोई भी मत छोड़ना जब तक आपको वो नहीं मिलता है। क्या नहीं मिलता है? अबे यार, अबे कसम से भाई, ले अरे गजब। तो ये अलग ही लेवल का है भाई, क्या दे रहा है? अरे कसम से यार, मेरा भी प्लेयर। चलो पड़ेगा इस बार तो उसको, अब ये भी ले। चलो भाई, ये अपने को देता है सोमवार 6। तो ठीक है चलो, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं सही से कुछ तो मिला है भाई। तो चलो यार, अपने को अब यहाँ से जाना है। मेरे ख्याल से ये अंडरग्राउंड लेके जाएगा थोड़ा सा, और उसके बाद में एक साइट ऑफ ग्रेस आएगा। तो समझ लो भाई, अब हम लोग अपना जो रॉयल कैपिटल था उसको ऑलमोस्ट छोड़ चुके हैं, जब तक अपन लोग एक नए लोकेशन पे नहीं पहुँचते। तो समझ जाओ कि ये लिंडेल ही चल रहा है और रॉयल कैपिटल। अबे यार इतना अंधेरा क्यों है भाई? ये है भाई, तो यहाँ पे सामने ही साइट ऑफ ग्रेस होगा भाई। साइट कर लेना, साइट कर लेना, सीट कर लेना। और लेकिन यहाँ पे आके टच जरूर कर लेना भाई। और यहाँ पे हमारा टोरेंट हमारा हेल्प करेगा। और ऐसा फालतू फालतू आइटम रखे हैं ना लोग, मतलब कौन यूज़ करता होगा यार इसको। अब देखो भाई, यहाँ से एक बात बता देता हूँ आपको, सीधा चले जाना भाई, और टोरेंट से तो उतरना बिल्कुल मत, बिल्कुल भी मत उतरना, सीधा चले जाना। और जो भी आलतू फालतू आइटम लगे कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है वो है, बाद में आके ले लेना। क्योंकि यहाँ के बाद में साइट ऑफ ग्रेस भाई सीधा मिलता आगे, नहीं तो यहीं पे अगर मरते रहोगे तो फिर आगे कब पहुंचोगे, बात ये भी है। तो चलो ठीक है, फिलहाल तो अपन लोग चले जा रहे हैं आगे। अबे चलो भाई बचा मैं। और ये फुंदरू लोग खड़े रहेंगे भाई, बहुत इरिटेट करते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, और दिख भी नहीं रहा ढंग का यार, यहाँ पे क्या ही टाइम पास करोगे। तो यहाँ पे आने वाला है भाई एक बॉस, और कौन बॉस है मैं बताता हूँ उसको आपको। और उसको मारोगे फिर क्रॉस करके आगे जाओगे, और उसको नहीं भी मारोगे तो भी क्रॉस करके आगे चले जाओगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये उठा लेना भाई, ये इंपॉर्टेंट था यहाँ पे। तो आप देख लेना अभी कौन आने वाला है। चलो ठीक है, तो भाई देखना अभी यहीं पे एक बॉस आने वाला, आप उसको पहचान लोगे, बट उसको मैं डॉज करके निकलूँगा आगे। ये है भाई, इसको मार चुके अपन लोग, ब्लैक ब्लेड किंड्रेड, इसको मारे थे अपन लोग, याद करो कैलेड में मारे थे। तो इसको मैं डॉज करता हूँ, क्योंकि क्या ही कितने बार ही मारोगे उसको। रूम्स वगैरह ढंग का दिए तो ठीक, नहीं दिए तो फिर पूरा टाइम वेस्ट। तो इसमें सीट कर लेना यार। और यहाँ से हम लोग को मेन जाना है भाई। अब देखो क्या आता है भाई, यहाँ पे आने वाला है माउंटेन टॉप ऑफ द जाइंट। बहुत सही रहता है भाई वो लोकेशन, तो मेरा तो फेवरेट है मैं बोलूँगा तो। चलो यहाँ पे मेडिलियन को होस्ट कर देना आप लोग, और जो कटसीन चलेगा उसको देख लो भाई। चलो भाई अभी कटसीन चल रहा है पूरा, ये मेडिलियन होस्ट किया भाई, जैसे हम लोग डेक्टस मेडिलियन को किए थे होस्ट वैसे इसको करते हैं। और आगे एक दो ठो और जगह आएगा जहाँ पे होस्ट करना रहेगा अपने को, तो उस मेडिलियन का भी मैं लोकेशन बताऊंगा आपको। तो भाई इसमें फालतू का एनिमेशन चलता है, पता नहीं क्यों इतना तामझाम।
चलो भाई अभी हमको ऊपर लेके जा रहा है, मतलब समझ जाओ कि माउंटेन टॉप ऑफ द जैंट, तो अलग ही लोकेशन है भाई वो, और बहुत प्यारा लोकेशन है यार। और वहाँ पे हम लोग को 2 ठो बैल वाले मोजेलियन मिलने वाले हैं जो रिमेम्बरेंस को डबल करते हैं, तो याद से आप लोकेशन याद कर लेना भाई, क्योंकि तो हमारा बंदा अब देखो सीधा निकलेगा अब माउंटेन टॉप ऑफ द जाइंट में। तो भाई अपन आ गया है माउंटेन टॉप ऑफ द जाइंट में, तो मैं इसको बंद कर लेता हूँ, मैं चालू करता हूँ माउंटेन टॉप ऑफ द जाइंट का। तो चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, और अपना टोरेंट समन हो रहा है, तो चलो चल के जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो यहाँ से निकल लेते हैं आगे। और चलो देखते हैं भाई साइट ऑफ ग्रेस कितने दूर पे है, और साइट ऑफ ग्रेस जल्दी मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और ये यहाँ का मैप है भाई, उठा लेना, यहाँ पे भी 2 मैप करीबन अपने को मिलेंगे। और ये है भाई अपना साइट ऑफ ग्रेस, तो यहाँ पे आप लोग टच कर लेना। और ये बंदा भाई ये अपना मदद किया था लिम ग्रेव में, तो आपको याद होगा, बट ये अभी हमको मिल रहा है, तो देख लेते हैं क्या बोलता है ये। तो भाई देखो मैं ज़्यादातर तो इन लोग का टास्क नहीं लेता हूँ, क्योंकि मैं बेसिकली वही टास्क लेता हूँ जिस जो हमारे लिए बेनिफिट हो, जिससे कुछ अपने को अच्छा खासा कुछ मिल जाए। तो चलो भाई ठीक है, अब ये हो गया है। अब देखो यार ये रूम्स का इलाका है, अच्छे से आप लोग देख लो, मैं मैप खोल देता हूँ। तो ये है भाई माउंटेन टॉप ऑफ द जाइंट, ये रूट है, और अपने को अभी यहाँ पर जाना है, और ये पूरा लोकेशन को खोलना है, ये मैप को खोलना है भाई, तो बहुत सारा काम है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, और सबसे पहले भाई गेम के स्टार्टिंग में ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिलवा देता हूँ। अब वो क्या दिलवा देता हूँ वो आप देख लो, और वो है भाई हमारा बोलना चाहिए कि अबे बच गए रे, तो वो है भाई हमारा स्मिथिंग स्टोन का बेल बेरिंग है, और वो तीसरा बेल बेरिंग है, और एक चौथा आखिरी मिलेगा, और वही आखिरी होगा। तो यहाँ से आ जाना भाई, और ये एक आइटम पड़ा हुआ है भाई, उठा लेना, ठीक है, सब काम का चीज़ रहता है यार, कोई ख़राब चीज़ नहीं रहता, तो उठा लेना। और ये है भाई, तो चले जाना अंदर, और कुछ नहीं, सीधा आपको यहाँ पर डायरेक्ट मिल जाएगा, कोई बॉस वगैरह नहीं रहते हैं, तो इसको ओपन कर लेना। और ये है भाई अपना स्मिथिंग का बेल बेरिंग, ये मिलता है भाई स्मिथिंग स्टोन का बेल बेरिंग अपने को, और ये भाई आपको देगा 5 और 6, बट अपने को ज़रूरत आपको पता है क्या है। और यहाँ से थोड़ा सा एक्सप्लोर और कर लेते हैं अपन लोग, देख लेते हैं घूम के यहाँ पे और क्या है, कुछ आइटम वगैरह है क्या, बाकी देखना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ तो लग रहा है छुपाए होंगे लोग। तो चलो ठीक है, पहले मैं देख लेता हूँ क्या क्या आइटम है, कुछ है खास तो पता नहीं मेरे को, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे बेल बेरिंग ही था यार। तो मैं तो नहीं बोलूँगा आपको कि ज़्यादा एक्सप्लोर करो, अगर लगता भाई कि ठीक ठाक आइटम आपको एक्सप्लोर करने में मिल जाएगा। अब मैं तो सच बताऊँ तो यार ज़्यादा इस एरिया को उतना एक्सप्लोर नहीं किया हूँ, मैं यहाँ से बेल बेरिंग लेके कट लेता था। तो ये अपना साइट ऑफ ग्रेस फिर से वहीं आ गया, अपन लोग निकल गए। तो चलो ठीक है, अब यहाँ से काम करते हैं अपन लोग, ऊपर ही ऊपर निकल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो आप चाहो तो कर सकते हो यार, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं कर सकते हो, आप कर सकते हो जितना एक्सप्लोर करना है, बट यहाँ पे स्मिथिंग स्टोन ही मेरे को ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है। और यहाँ पे ऊपर से भी आप देख लेते हैं नज़ारा, और क्या क्या है भाई आइटम, यहाँ पे उतर जाता हूँ एक बार। और हमारा रेढ़ान कहाँ गया भाई, अच्छा रेढ़ान को तो अपन हटा चुके थे। तो देखो आप वो तो ले सकते हो, बाइनोकुलर वगैरह ले सकते हो, टेलीस्कोप वगैरह, तो मैं इसको रख लेता हूँ। अभी क्यों रखा हूँ इसको मैं बता देता हूँ आपको, क्या है भाई, अबे यार भूतनी के, चलो तो थोड़ा सा जूम करके देख लेते हैं, और कहीं आइटम अपने को दिख रहा है क्या भाई। और ये सब बंदे घूम रहे हैं, और चाहो तो आप ले सकते हो उनको मार के रूम्स वगैरह, लेकिन मैं मारने आया हूँ भाई इसको, किसको दिखा देता हूँ, ये है भाई, इसको मारने आया हूँ मैं, तो मैं इसको अब यार उससे पहले तू मरेगा भूतनी के, चलो बस कर छोटे बस कर, उसको पता नहीं था कि अपन कौन है। और कोई है क्या भूतनी का यहाँ पे, कूटूंगा उसको मैं, चलो ठीक है, यहाँ पे और कोई तो नहीं है ना, चलो ठीक है। तो चलो अभी किधर के हो, हाँ है भाई, तो मैं
इसको भाई ऐसे टारगेट बना के मत मानना, इसको ऐसे मानना क्योंकि अभी नीचे गिरेगा और भागने लगेगा, तो आपको इसको मारना पड़ेगा। ये नीचे गिरा और ये भागेगा आगे साइड, तो आप थोड़ा सा वेट करना और इसको डायरेक्ट टारगेट मारोगे तो ये आपके हाथ से निकल सकता है। तो ये हो गया ख़त्म सोमवार 7। अब वैसे अपन को चाहिए वैसे 8, बट भाड़ में जाए सब दुनियादारी, अपन लोग निकलते हैं आगे। और क्या ही हो मिलेगा यार यहाँ पे, क्या ही आइटम रखेंगे लोग, गरीब लोग। तो यहाँ पे चील वील हैं यार, पता नहीं क्या कर रहे हैं यहाँ पे। और ये लोकेशन किधर लेके जा रहा है भाई? अबे यार गरीब बस्ती में नहीं जाना वापस, चल भाग यहाँ से। तो देखो भाई मैं इसको अवॉइड कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मार नहीं सकता हूँ मैं, अपन मार पीट कूट सकते हैं, लेकिन इनके ऊपर ये अगर टाइम वेस्ट करते रहोगे तो आगे कभी बढ़ोगे। तो मैं सब देखते हुए जा रहा हूँ भाई, कुछ छूटे मत मेरे से आइटम। और क्योंकि जहाँ तक मेरे को याद है भाई, चलो ठीक है, ये एक आइटम पड़ा हुआ है, इसको उठा लेना। और सबसे फालतू आइटम था, क्योंकि मेरे को नहीं मालूम था इतना फालतू आइटम भी होता है यहाँ पे। और ये चील भी लोग से बच के भाई अच्छा खासा। तो भाई चलो यहाँ पे आ चुके हैं अपन लोग फाइनली, और यहाँ पे दो चार आइटम है, उसको उठा लेना। भाई किधर गया इधर का आइटम? ओ नीचे रखा हुआ है, कोई बात नहीं, जल्दी का काम शैतान का भी ना देखा होगा तो यही होगा। तो ये भाई एक आइटम है और ये बहुत सही है इनकंटेशन वालों के लिए, और ये मैं ले लेता हूँ। और ये मोटू साहब है, इसको मारने तो मारना है, इसको मारोगे तो भाई आपको मिलेगा इसका कोट, कोट मतलब आर्मर मिलेगा। अब आर्मर है कि क्या मालूम नहीं, लेकिन वो मोटू का मिलेगा, बट अपन यूज़ नहीं करते हैं तो अपन उसको नहीं मारेंगे। और यहाँ पर से थोड़ा ध्यान से जाना भाई, क्योंकि सामने आपको दिखेगा थोड़ी देर में ही, थोड़ी देर में तो नहीं बोलूँगा, बट वो लंबू साहब दिख रहा होगा आपको। वो देखो वो तीर चलाने के लिए अभी रेडी है ना भाई, तो आराम से जाना। ये अब देखो चलाया तीर, ये चलाया, तो यही है भाई, थोड़ा सा बच के जाना। और ये मैं नीचे निकल लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि एक आइटम है और गोल्डन रून था। अब यार कसम से मैं उसे बच रहा हूँ तो मैं खाई गया यार। चलो ठीक है बच बुचे इनके, अपन इसको अब मार लो। किधर है भाई तू? चलो वो भी एक आइटम रखा हुआ है, तो मैं क्या करूँ, इसको मार लेता हूँ पहले यार, उतर जाता हूँ। अब यार कसम से भाई मेरा प्लेयर एकदम, मैं इसको ले लेता हूँ। चलो ठीक है, और भाई टोरेंट आ जा, अबे आ जा टोरेंट, अबे माँ कसम, एक तो मेरा वैसे ही फ्लेम ख़त्म हो जाएगा पूरा। मार बेटा तू अपने पाँव। तो चलो मैं इसको गिराता हूँ, और ये हुआ है स्टन भाई साहब। अबे इधर चल भाई मेरे, कसम से भाई एक नंबर, मैं मिस कर गया उसको क्रिटिकल मारने के लिए, तो इस बार नहीं मिस करूँगा। किधर गिरा था इसका पेट? इधर। अबे चल मेरा भाई चल, चलो पड़ा है, और इसीलिए मैं इसको क्रिटिकल मार रहा था, क्योंकि क्रिटिकल में अच्छा खासा लग जाता है भाई। अब अपन लोग जो भी आइटम ये रखा था उठा लेते हैं। किधर गया भाई वो आइटम? ये रखा है आइटम। और भाई देखो आइटम तो बहुत सारा मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, बस हड़बड़ाना मत, क्योंकि टॉप माउंटेन द टॉप है, तो टॉप से सरक के कहीं नीचे ना आ जाओ। तो चलो इधर कोंटे खपाकचे में हर जगह देख लेते हैं, कोई भी आइटम ये लोग छुपा सकते हैं। देखो यार इस जगह का ना, किधर गया भाई मैं, किधर से आया था, इधर से आया था। तो यार देखो ये जो जितना भी एल्डन रिंग गेम है ना यार, इसमें सिर्फ एक ही चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, कि जितना एक्सप्लोर करोगे ना उतना आइटम आपको मिलेगा, और जितना भागोगे ना उतना आइटम आपसे मिस होगा। तो एक बार मैं और इधर भी देख लेता हूँ, क्योंकि मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है कि यहाँ पर सोमवार मिलता है, और किधर से मिलता है वो ही याद नहीं आ रहा मेरे को। खैर अपने को जाना तो वहाँ से है, तो चलो मैं लेफ़्ट साइड में एक बार देख लेता हूँ क्या क्या रखें लोग। यही इसी इसी की बात कर रहा था मैं शायद,
यही सोमवार हो। अबे तू टारगेट क्यों नहीं बना रहा मेरा भाई? अबे यार इतने देर में गायब हो जाएगा भाई ये मेरा भी प्लेयर। वाह है वाह। चलो सोमवार 8 भाई, आपको पता है किसके लिए चाहिए आपको? को ब्लास्फेमियस और रेडान दोनों के लिए चाहिए, तो अपन लोग देखेंगे किसको करेंगे अपग्रेड। रेडान को भी कर सकते हैं, ब्लास्फेमियस को भी कर सकते हैं, हम लोग का कोई भरोसा नहीं भाई, अपन लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो चलो यहाँ पर कुछ नहीं, आलतू फालतू चीज़ें हैं, और ये लोग जो लोग क्राफ्टिंग में ज़्यादा बिलीव करते हैं उन लोग के लिए बढ़िया है भाई आइटम। अब अपना तो क्राफ्टिंग साफ्टिंग होता ही नहीं भाई। चलो ठीक है, और ये भी एक जगह पे है। यहाँ पे क्या रखे, ये रखा है भाई बताओ, एक आइटम क्या रखा है ये? सॉफ्ट कॉटन, क्या करें इसका? चलो ठीक है रख लेते हैं, बॉस के आंसू पूछने के काम आएगा, अब बॉस को गिफ्ट करेंगे अपन लोग। चलो ठीक है, सोमवार 8 मिला है भाई, और यहीं पे भाई अपने को मिलने वाला है एंशियंट का सोमवार ड्रैगन वाला एंशियंट सोमवार। अबे इतना घटिया आइटम रखे हैं लोग, इतना घटिया आइटम रखे हैं कि इसी सब को देख के ना एक्सप्लोर करने का मन नहीं करता मेरे को। चलो ठीक है भाई, वो है साइट ऑफ ग्रेस, और ऊपर कौन है मालूम नहीं, खाना पीना बना रहा है बंदा हमारा। ऊपर जाने का कोई उम्मीद है भी? अबे तू टूल टच कर भाई साइट ऑफ ग्रेस को। तो चलो एक बार मैं कोशिश करता हूँ ऊपर जाने, कुछ है क्या कहीं से? यहाँ से तो नहीं होगा मेरे को लग रहा है, मे बी यहाँ से हो सकता है, मे बी मर्चेंट वगैरह होगा यार शायद। हाँ मर्चेंट ही है, बट उस मर्चेंट के पास जाने का कैसे है भाई? एक चीज़ तो पता चल गया, यहाँ से जाने का नहीं है, निकल लो अब यहाँ से, मेरे को फालतू का टाइम वेस्ट नहीं मजा आता भाई। और क्या क्या आइटम रखे हो भाई तुम लोग? अभी और ऊपर से जाने का दिया है क्या भाई मर्चेंट के पास? जब फालतू इच्छा पूरा। चलो ठीक है भाई आगे चले जाते हैं, मर्चेंट जाए भाड़ में। और भाई ये आएगा लंबू जी यहाँ पर, तो इसको देखो यार मारना तो मार लेना, मर तो एक ही बार में जाता है, बस इसको क्रिटिकल ही मारना फ्लेम अटैक। अरे फ्लेम का ही बंदा है यार, इसकी फ्लेम वीकनेस है क्या इसकी? और यहाँ पे देखो यार सच बताऊँ तो ज़्यादा कुछ ऐसा आइटम नहीं रहता कि बहुत इम्पोर्टेंट। मैं ऐसी लोकेशन है तो मैं आपको दिखाने के लिए आ गया हूँ, एक आधा टीम ही होता है यहाँ पे, बट वो भी उतना वर्दी नहीं होता है जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है, पूरा यूज़लेस आइटम रहता है। तो मैं खुद किधर से जा रहा हूँ मेरे को याद नहीं आ रहा है। हाँ तो ये पड़ा है भाई दो चार आइटम, उठा लेना, गरीबा टाइप का। स्मिथिंग 7 है, अपने को 7 नहीं चाहिए भाई, अपने को कुछ और चाहिए। और इसके अंदर चले जाना, इसके अंदर मेरे ख्याल से आर्मर वगैरह वाला सेट रहता है, ये देख सकते हो आप। और मर्चेंट कहाँ से जाना भाई? ऊपर दिखा रहा है लोकेशन, चलो ठीक है भाई ऊपर ही सही। क्या दिला रहा भाई ऊपर में, क्या दिला रहे हैं लोग ऊपर में? कोई आइटम? अबे यार मेरे को लगा ऊपर में कोई आइटम होगा। चलो ठीक है कोई बात नहीं। वो मर्चेंट किधर मर गया? हे भगवान मर्चेंट किधर गया? ये क्या है? चलो ठीक है मर्चेंट साहब आप यहाँ पे हो। चलो भाई ये मंद बुद्धि आदमी यहाँ पे बैठा है, और वर्दी आइटम नहीं रखा ना भाई तो इसके बाद आना पूरा वेस्ट हो जाएगा। क्या क्या रखा है ये? अब ये एरो मेरे पास कितना है? अबे यार गरीबी में आटा गीला, आइटम भी सही सही नहीं रखा है। यही आइटम सही रखा है तो एक काम करता हूँ मैं, थोड़ा सा सेल कर लेता हूँ रूम्स वगैरह, और ये एरो को मैं ज़रूर लूँगा कि यही हमारी ज़िंदगी बचाता है, तो इसको मैं ले लेता हूँ। चलो इतना, और बाकी तो ये रखा है नहीं। चलो ठीक है यहाँ से अब आगे चले जाते हैं अपन लोग। अबे यार भाई इधर भी तुम लोग कुछ आइटम नहीं रखे हो ना, तुम लोग कोई भरोसा नहीं आएगी, इन लोग कोई भरोसा नहीं आता भाई। चेक कर लेना, डबल चेक कर लेना,
चलो ठीक है, और यहाँ से चलते थे आगे। चलो भैया अब यहाँ पे मस्त मस्त आइटम आने वाला है। कहाँ से आए थे अपन लोग? इधर से आए थे जंप करके ऊपर, और चलो यहाँ पे आ गए हैं अपन लोग। और भाई ये लोकेशन, ऊपर वाला लोकेशन है क्या? कंफ्यूजिंग लोकेशन इतना बना के रखे हैं लोग, इतना सारा कौन बनाने बोला था इन लोगों। चलो ठीक है कोई बात नहीं, अब आए हैं तो देख ही लेते हैं। भाई सीधा आप आओगे ना तो यहाँ पर ना आप केव ही ढूँढना जो अंडरग्राउंड वाला रहता है, और उस केव में सीधा घुसा कर लेना भाई। हाँ ये सेव। बस अभी ये क्या है? भूतनी का तो भाई सील लगा हुआ है। अब भाई यार कसम से भूतनी का। चलो ठीक है भाई, अब इसको कैसे ब्रोक करना है सील को, उसको मैं बताऊंगा आपको। फिलहाल यहाँ से कटते हैं। अब भाई यार किधर है पलो? हाँ मेरे को इधर जाना है भाई, इधर इधर राइट साइड में जाना है। तो भाई चलो राइट साइड में मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एक साइट ऑफ ग्रेस भी आता है। अब मैं जिस पैटर्न से खेलता था ना भाई, मैं उसी पैटर्न से खेलूँगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं तो आप बहुत कन्फ्यूज़ हो जाओगे, और मैं खुद कन्फ्यूज़ हो जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एक साइट ऑफ ग्रेस आता है, वो साइट ऑफ ग्रेस को ढूंढ रहा हूँ मैं। यहाँ पे आएगा पक्का, कसम से यार। मैं किधर किधर जा रहा हूँ बताओ, एकदम सिमिलर दिख रहा है लोकेशन। चलो ठीक है कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, एक बार मैं लोकेशन सही पा जाऊँ ना फिर बताऊँगा लोगों। एक तो साइट ऑफ ग्रेस आता है भाई यहीं कहीं। तो भाई यहीं पे ही आएगा साइट ऑफ ग्रेस कंफर्म। अब वो है मोजेलियन, और साइट ऑफ ग्रेस जो मैं बोल रहा हूँ वो आएगा यहाँ पर, ये आएगा भाई साइट ऑफ ग्रेस। तो एक बार कंफ्यूजन ना हो तो मैं बड़ा दिखा देता हूँ, सीट कर लेता हूँ पहले, क्योंकि तो मैं खुद पागल हो गया हूँ उसको, ये साइट ऑफ ग्रेस को ही ढूंढ रहा था मैं। तो मैप ओपन करे तो भाई, तो अपन लोग यहाँ पे थे यार, और अपन लोग दौड़ते भागते इधर गए थे, ये वाला शेक में जा चुके हैं अपन लोग, और अभी फ़िलहाल अपन लोग यहाँ पे हैं। ठीक है, तो ये शेक अपन हो गया है जहाँ से अपन सामान वामान उठाए थे। तो यहाँ से देखो भाई, अब एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ नहीं तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा। थोड़ा सा पीछे चल देता हूँ मैं। ठीक है, अब देखो यार हुआ क्या, आपको नीचे वाला बंदा याद होगा। ठीक है, अपन को ऊपर नहीं आना था, असल में अपने को जाना था वहाँ, असल में रूट वहीं से आता है। तो हम लोग थोड़ा सा ऊपर होके आ गए क्योंकि अपन लोग ले ले लिया था वो भाई, समझ जाओ कि क्या बोलते हैं यार उसको, यार जिसमें घोड़े में अपन लोग जंप किए ऊपर की तरफ, तो उसको अपन को यूज़ नहीं करना था। बट अपन लोग चलो मर्चेंट के पास जाना था तो यूज़ करना भी पड़ता। ठीक है, तो अपने को जाना कहाँ है मैं वो दिखा देता हूँ। और यहाँ पर साइट ऑफ ग्रेस आएगा भाई, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट था ये साइट ऑफ ग्रेस। उसके बाद अपन लोग को यहाँ से ऊपर आना था क्योंकि यहाँ पर आने वाला भाई एक बॉस, और उस बॉस को मारोगे तो मैं मर गया क्या? बच गया। किधर गया भाई वो साइट ऑफ ग्रेस? इधर ही चाहेगा। कहाँ गया कहाँ गया? ये तो भाई ये था वो साइट ऑफ ग्रेस, अपने को यहीं पे ही आना था। तो अपन ऊपर चले गए, वैसे अपने को यहाँ से वहीं ऊपर ही जाना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सीट कर लो एक बार। तो भाई टॉक टू मलिना आ रहा है तो मलिना से टोकिया लेते हैं, क्या बोल रही है। There is something I'd like to say. My purpose was given to me, but now I have. यार इसका हर बार ये अपना पर्पस के बेसिस के बात करती है।
मेरा पर्पस ये है, मेरा पर्पस वो था, मेरी मदर का पर्पस ये है वो है करके, तो उसको अब यार ये जब बैठे रहती ना तो रूम्स को मत वो लेना भाई, चलो छोड़ो हटाओ हो गया। तो भाई ये सब चीज़ मारो गोली। अब देखो यार, अब वो दिख रहा हुआ सामने एक ऐश ऑफ और, तो उसको अपन लेंगे, बट अभी अपने को ले के कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी ये सामने आपको जो कोहरा दिख रहा है उसका एक रीज़न है, यहाँ पे एक बॉस है भाई, उसको अगर मारेंगे ना तो वो कोहरा छट जाएगा पूरा और ये लोकेशन पूरा विजिबल हो जाएगा। और यहीं पे एक चर्च है भाई, बहुत सही आइटम है, उसको लेना है अपने को, तो अपने को इस बॉस को मारना ही पड़ेगा। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, सबको हटा दो, सबको हटा दो, और मैं रखूँगा ब्लास्फेमियस को, क्योंकि वो मेरा हेल्थ बढ़ा देता है भाई और डैमेज भी अच्छा खासा करता है। तो यहाँ पे हमारे ब्लैक नाइफ टीच का बहुत सही रोल रहेगा। और अपने पास और कुछ आइटम रखना है क्या? नहीं रखना है। तो चलो भाई फाइनली मौत के मुँह में जा रहे हैं। और भाई ये ड्रैगन अब बहुत ख़तरनाक रहता है, ये फ्रॉस्ट बाइट लगाता है भाई, तो थोड़ा सा देख के। और जैसे देखो यार आपका ये समन का आइकन आएगा, सबसे पहले कुछ समन कर लेना, सब यहीं रिफिल कर लेना, ये नहीं कि क्रॉस करके आगे निकल गए। और चलो ठीक है, फ्लेम ग्रैंड मी स्ट्रेंथ में मैं रख लेता हूँ। चलो चलो भाई, फाइनली अब बॉस से सामना होने वाला है, और मैं इसको उजी कताना से ही मारूँगा और किसी चीज़ से नहीं मारूँगा, क्योंकि मेरे को उजी कताना सही लगता है इसके लिए। तो क्या है भूतनी का आया क्या? ये आ गया भाई, ये आ गया है, आ गया है, आ गया है। और देख सकते हो भाई पूरा इलाका, ये मैं मरा 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 भाई। तो मेरे को फ्रॉस्ट बाइट देखो आते साथ ही वो मार दिया है। और ये फिर क्या मार रहा है? ये फिर फ्रॉस्ट बाइट मार रहा है ना, तो मैं फ़िलहाल उससे बच रहा हूँ और मैं फ्लेम स्ट्रेंथ भी ले लेता हूँ। थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा फॉग, ऐसा मत समझना कि भाई फॉग में लड़ना पड़ेगा। अबे यार हमारा बंधु मर गया क्या? तो चलो इसके पैर को ही टारगेट करना, हर ड्रैगन की वीकनेस है इनमें पैर इनकी। तो ये भाई, और पीछे से ही मैं इसको अटैक करूँगा, ब्लैक नेफ्टी मेरा। चलो ब्लैक नेफ्टी उसको अच्छा मार दिया यार। तो चलो ये गिरा भाई, ये गिरा है, आ जाना और क्रिटिकल घुसेड़ देना इसके में। और भाई तुरंत उसके पैर के पास चले जाना, और ये देखो फिर ये अटैक किया अपने पैर से, और ये पूंछी घुमाएगा। तो चलो फिर से मैं टोरेंट को बुला के पैर के पीछे चले जाता हूँ। अब देखो यार ब्लैक नेफ टीच, तो उसको वैसे ही उसकी एबिलिटी इतनी अच्छी है टीच की कि वो उसको ऑलरेडी ये पैर घुमाएगा घुमाएगा पूंछ घुमाएगा। नहीं नहीं भाई उड़ो भागो, मतलब मैं उड़ो कह रहा हूँ। तो चलो यार मैं FP भर लेता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वहाँ पर ख़त्म हो जाए 2-3 शॉट के बाद में। तो चलो फ़िलहाल तो अभी हमने को उतना ज़्यादा डैमेज नहीं किया ये, लेकिन करता बहुत सही डैमेज भाई। तो चलो इसको पैर पे फिर मारते हैं। अरे भगवान मैं क्या कौन सा वेपन ले लिया बताओ अब ये। नहीं नहीं ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, अपनी गलती का भुगतान तो वो करना पड़ता ही है। अब कभी बदल गया ब्लास्फेमियस मालूम नहीं भाई। अब ऐसे अगर मैं नहीं भी जाऊँगा तो टीच उसको मार ही देगा यार, ठीक है। तो चलो ठीक है, बट टीच के भरोसे रहते ही नहीं है, पर टीच हमारे भरोसे है। तो चलो इसको एक पड़ा दो पड़ा, और चलो ख़त्म हो गए क्या? तो भाई ख़त्म हो गया है, ऐसे ही मारना बहुत इजी है इसको मारना। और रूम्स अच्छा खासा मिला है, ड्रैगन हार्ट मिला है, और भी ड्रैगन का आप लोग ले सकते हो वेपन वगैरह, इनकेंटेशन वेपन तो नहीं बोलूँगा, इनकेंटेशन रहता है ड्रैगन। अभी किधर आ गया भाई मारते मारते इसको, मैं किधर हूँ भाई मैं? अबे यार कसम से, एक मिनट अभी पता चल जाएगा। साइट ऑफ ग्रेस इधर है ना, अपने भीतर ही जाना है। और ये है भाई वो अपना एश ऑफ वॉर, तो एश ऑफ वॉर है कि इनकेंटेशन है, जो भी है देख लेते हैं, बट लेना अपने को ब्लास्फेमियस सही पड़ेगा। और ये तो बड़े तेज़ी से चल रहा है भाई, आने दो उसको मारते हैं। चलो गया। तो भाई ये बहुत सही है शॉवर है, ब्लड ब्लीड बिल्ड के लिए लोग इसको यूज़ करते हैं। चलो मैं साइड ऑफ ग्रेस में फ़िलहाल तो नहीं जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सही सही आइटम रहता है यार। और यहाँ से अपने को मिलने वाला है मैप, और यहीं से अपन लोग फायर करेंगे अर्ट्री को, जो मलिना हमारा
जो इतने समय से दिमाग चाट रही है, फर ट्री के फुट पे ले जाओ, फुट पे ले जाओ, तो उसको फुट पे ले जाकर फेंकेंगे और वो भाई उस चीज़ को बर्न करने के बाद में लिंडेल रॉयल कैपिटल का वो दरवाज़ा खुल जाएगा। और यहीं पे भाई एक बहुत सही आइटम मिलने वाला है, ध्यान से देख लो। और बाकी अभी इधर अपन जाएंगे भाई, बहुत सारा लोकेशन है। और फायर जेंट करके एक बंदा है यहाँ पे, उसको मारने के बाद ही अपन लोग ट्री को बंद कर पाएंगे। और उसको मारना मतलब भाई अब पेनफुल है बहुत ज़्यादा। तो भाई ये सोमवार का माइनर बेल बेरिंग 3 आता है, तो चलो चर्च में चले जाते हैं पहले और साइट ऑफ ग्रेस में टच कर लेते हैं। इसको पहले ले लेता हूँ भाई मैं, फिर लेवल अप में पंचायती होता है। तो चलो यहाँ पे बैठ जाते हैं, सीट कर लेते हैं, लेवल अप भी कर लेते हैं, फ्लास्क पहले कर लेता हूँ मैं और लेवल अप कर लेता हूँ, नहीं तो टॉक टू मलीना में फिर वो बैठ जाएगी। मैं तुम्हारा बढ़ा देती हूँ, स्ट्रेंथ बढ़ाऊँगा मैं, क्योंकि मेरे को अब वेपन पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। टॉक टू मलीना कर लेते हैं भाई। अबे क्या बोलती है हमेशा ये, चलो देखते हैं क्या बोलती है। फिर टॉक टू मलीना, बात करने का मन है नहीं लेकिन फिर भी टॉक टू मलीना, टॉक टू मलीना, काई की मलीना यार, इतना काम करवा रही है। तो चलो भाई साहब चलते हैं यहाँ से आगे और देख लेते एक बार, आइटम तो नहीं है यहाँ पे। तो भाई जो हमारा उद्देश्य है, एक मिनट, क्या एक मिनट ना भाई, ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पर समथिंग समथिंग है। चलो स्मिथिंग 7 ज़रूरत नहीं है अपने को। तो भाई वो देख सकते हो आप, एक बार दिखा देता हूँ भाई, बहुत सुंदर दिखता है वो, है यार बड़ा सा एक वर्ल्ड कप की तरह चेन से बंधा हुआ और उसी से ही बर्न करेगी मलीना अर्ट्री को, पूरे अर्ट्री जलने लगेगा अभी थोड़ी देर में। तो चलो यार फाइनली इस गेम का मतलब समझ जाओ कि अब ऑलमोस्ट एंडिंग आने वाला है, मतलब तुरंत नहीं आएगा भाई, अभी टाइम है थोड़ा सा, एकदम तुरंत तो नहीं आ जाएगा। तो देखो यार रूट तो बहुत सारा है एक्सप्लोर करने के लिए, कई जगह है। तो चले जाते हैं आप लोग थोड़ा सा जल्दी यहाँ से। और यहाँ पे भाई एक बहुत सही ब्लेड मिलने वाला है, और एल्डन रिंग में तो भाई उस ब्लेड को ब्रोकन बोला जाता है, और उसको सोमवार 8 मिला। चलो भाई तो मैं इधर से ही आगे निकल लेता हूँ, नहीं तो ये झींगा मेरे को वाट लगा देगा। चलो भाई अब देखो यार यहाँ पे ऐसा है कि ये भी एक आइटम, अबे रूम्स वगैरह है भाई। चलो अब ये दिए भाई चढ़ने का, बहुत सही, मैं यही ढूंढ रहा था कहीं से मिल जाए ऊपर चढ़ने का। तो भाई इसको भी आप मार सकते हो, ठीक है, ये मैं आपको बताया हूँ कि हर जगह पे मिलता है ये, ठीक है ना। तो चलो देख लेते कौन आ रहा है। अब मेरे को तो मारने से मतलब है, मेरे को रून से मतलब है भाई, सच बताऊँ तो मेरे को रून ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी कौन आ रहा है देख लेते हैं, तो मैं फ्लेम देना भाई, स्ट्रेंथ फ्लेम की, चलो देख लेते हैं कौन है। अबे ड्रैगन वैगन मत आ जा भाई, कौन है ये, अबे कौन है ये फुंतरू, कौन है ये राउंड टेबल नाइट, ये कभी था भाई राउंड टेबल में, मैं तो इसको देखा भी नहीं, क्या इसका काम पूरा नहीं किया क्या अपन लोग। तो भाई देख सकते हो ब्लास्फेमियस की एबिलिटी, मैं यही, अबे कितना HPP है यार ये साला, 200-300 किलोमीटर दूर जाकर क्या पी के आ रहा है भाई, ये लाल लाल जल रहा है ये, गजब मोतनी का, अरे गजब छोटे। तो चलो यार हमारा ब्लास्फेमियस हमारे हेल्थ हमको दिला देता है, HP बोले तो हेल्थ। चलो भाई उसका ज़्यादा कुछ लाइफ बचा भी नहीं है, और थोड़ा सा टिटपुंजिया एकदम कम हाइट का फुंदरू है यार। और चलो भाई वो फाइनली अब निपट गया है,
और बहुत सही आइटम मिला है, इनकेंटेशन मिला है, और जो इनकेंटेशन यूज़ करते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है भाई। तो चलो भाई अब इंतज़ार कर लेते हैं, ये थोड़ा हट जाए तो। एक बार इन्वेंट्री में मैं देख लेता हूँ यार अपने को क्या मिला है, इनकेंटेशन ही मिला है, बट एक बार चेक कर लेते हैं भाई उसकी क्या एबिलिटी है। और ये है भाई, अब क्या है भाई इसका, ये फेट 23 बोल रहा है और रेड लाइटनिंग। अब यार कुछ भी गरीबा टाइप का देते हैं लोग। चलो अबे यार इसके ऊपर से क्या वो भी नहीं आएगा क्या? तो भाई यहाँ पे बहुत सही सही आइटम है, उसको लेने का है अपने को, ऐसा नहीं है कि अपन उसको छोड़ेंगे। और फिलहाल तो मैं इधर से चले जाता हूँ। और ये एक साइट ऑफ ग्रेस है भाई, अपन लोग यहाँ पे सिट कर लेते हैं। चलो सिट कर लो यहाँ पे। और यहाँ से यार मैं बोला था पहले ही कि मैं सिर्फ वर्दी आइटम ही दिखाऊंगा, बाकी जिन लोगों को और एक्सप्लोर करना है भाई तो ज़रूर एक्सप्लोर करना। और ये सब लोकेशन में ज़्यादा किसी को चाहो तो मार सकते हो, बाकी स्टोन शॉट की तरह उठा लिया मैं। और ये बॉस भाई देखो क्या कोई नया नहीं है ना, ये 150 बार आता है यहाँ पे, तो अगर आपको चाहिए भाई 150 बार उससे लड़ना है तो लड़ सकते हो, बाकी रूम्स वगैरह इन लोग एक समय के बाद ना देते नहीं यार ठीक से। तो यहाँ से चले जाते हैं भाई, और यहाँ पे भी साइट ऑफ ग्रेस आने वाला है और एक मैप आने वाला है, तो मैप भी उठा लेंगे। चलो मैप भी उठा लेते हैं और यहाँ पे ये भी उठा लेते हैं। अब देखो यार जो हमारा मैप में, मैं एक बार दिखा देता हूँ। चलो मैप फाइनली खुल चुका है, तो ये है भाई वो लोकेशन जहाँ पे अपने को जाना है, और जाके अभी भी ख़त्म कर सकते हैं मान लो। और इस लोकेशन में भाई यहाँ पे थोड़ा सा इलाका है, और ये एक बहुत अच्छा इलाका है भाई। यहाँ से अपन लोग एक नए जगह पे जाएंगे, और जहाँ पे एल्डन की सबसे टफेस्ट और हार्डेस्ट बॉस बोलते हैं उसको मेलिना, वो आने वाली है। और यहीं पे भाई एक गोलम वो मोजेलियन मिलेगा। और चलो लेकिन पहले इसको कंप्लीट कर लेता हूँ, मैं ये इलाके में आ चुका हूँ तो इसको पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ। और यहाँ पे यार क्या चीज़ मिलता है मैं आपको दिखा देता हूँ। सामने पे भाई एक बहुत सही, बोलना चाहिए कि जितने भी बंदे खेले हैं अब तक एल्डन रिंग को, हर कोई बंदे के ज़बान पे एक ही वेपन का नाम आता है हमेशा। एल्डन रिंग बोलोगे तो उन लोगों का नाम, एक ही वेपन का नाम आता है जो सब उसको पसंद करते हैं। क्या क्या आइटम है पहले उठा लेता हूँ मैं, इससे पहले मुझे काट दे इतना घटिया आइटम इसके लिए मैं कटवाऊँ। तो भाई साहब ये देख रहे हो ये लोग अपना आपस में ही लड़े पड़े। तो भाई मैं बोल रहा था कि उस वेपन की बात कर रहा था मैं, और उस वेपन का नाम है भाई जो ऑलमोस्ट बोलना चाहिए कि सब बंदों का फेवरेट है। तो एक बार मैं इधर आ जाता हूँ ठीक है, और मैं उसका नाम अपने मुंह से नहीं बताने वाला, तो वो यहाँ का जो बंदा आएगा मेरे को मारने अभी वो अपने मुंह से बताएगा। अबे आना भूतनी के किधर है, ये लोकेशन है ना। चलो ठीक है मेरे ख्याल से आने वाला है वो। तो भाई ये आ चुका है, अबे दिख तो जा मेरे भाई, कौन किधर से आ रहा है मेरे को कौन मारेगा। इधर से आ रहा है क्या, ऊपर से आ रहा है, किधर से आ रहा है, पीछे से आ रहा है, इधर से मैं खड़े हो जाता हूँ भाई। ये गिर हपट के आ रहा है भूतनी का। तो भाई आप इसके आप ब्लेड देख लेना, उसके बाद में मैं फिर बताऊँगा कि वो क्या है। और मेरे ख्याल से आप लोग समझ जाओगे एक ही बार में, क्योंकि इतने टैलेंटेड हो भाई आप लोग। चल भूतनी कितना मारेगा भी, चलो यह नहीं पाया तू, मेरा तो पूरा स्टेमिना जीरो हो गया। अब पागल जैसा अकेले डॉच कर रहा, मारने तो दे भूतनी की मेरे को पहले। तो चलो अब उसका ज़्यादा बचा भी नहीं है कुछ, मेरा भी नहीं बचा भाई। ये मेरे को मारा 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 मारा, और ये एक और शॉट और ये ख़त्म है। तो भाई ये अपने मुंह से बता रहा है, देख लो आप लोग ठीक है, उसके बाद मैं बताता हूँ क्या है।
दिख ही गया होगा आप लोग को मैं किस वेपन की बात करता, रिवर ऑफ ब्लड। तो भाई यही ब्लेड है जो पूरे एल्डन रिंग में छाया हुआ था, बट इसको जो डेवलपर लोग थे वो लोग अपडेट करके इसको कर दिए हैं ख़राब, क्योंकि ये बहुत ब्रोकन वेपन था भाई। इसको ऑलमोस्ट लोग बोल रहे थे बहुत ब्रोकन है, बहुत ब्रोकन है, और बॉस को तो ये मेल्ट कर देता है पूरा, मतलब समझ जाओ कि आइसक्रीम को निकाल के धूप में रख दो, ठीक है, उस प्रकार से इस ब्लेड को निकाल के बॉस के सामने रख दो, ठीक है, तो बॉस तुरंत ही मेल्ट हो जाता है। अब मेल्ट हो जाता है इसका मतलब ये नहीं भाई कि कमज़ोर है तो मेल्ट हो गया, मतलब वो अच्छा खासा कूट दोगे आप उसको। चलो ठीक है, ये उड़ाल उठा लो भाई। अब देखो यार, अपन लोग एंड गेम में पहुंचने वाले हैं, तो वो चाहे वेपन हो चाहे वो लेवल अप कर लें क्या यार अपन लोग। एक मिनट, फ्लास्क पहले कर लेता हूँ मैं। अब फिर तो मलीना नहीं आ रही ना, टॉक टू मलीना नहीं आ रहा, भगवान बच गए। और देखो यार, रिवर ऑफ ब्लड के लिए अलग अलग मतलब उसकी भी वो है, रिक्वायरमेंट है। तो यार हमारा इंटेलिजेंस, देखो यार ये जो बॉस है ना, इसको फ्लेम का इफेक्ट उतना तो नहीं होता जो माउंटेन ऑफ फायर जेंट में आए अपन लोग, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बॉस है। बट वही है दिक्कत कि अपने पास ब्लेड भी अपने पास नहीं बच रहा है कोई अच्छा खासा, बट देखेंगे, कोशिश करेंगे उसको किससे मारे। तो मैं देखता हूँ भाई, कुछ लेवल अप के लिए हो रहा होगा तो अच्छा खासा, नहीं हो रहा, चलो ठीक है भाई। तो भाई यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट आइटम मिलता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो एक बार मैं देख लेता हूँ वो वहीं पे तो है ना, कि मैं गलत तो नहीं हूँ कहीं पे। तो भाई ये है वो आइटम, और देख लो आप लोग क्या है ये, एक बार अच्छे से देख लेना, मैं हटाऊँगा नहीं। तो ये है भाई एंशिएंट ड्रैगन स्मिथिंग स्टोन, और अपने को इसी का 2 मिल चुका है, और अपने को सोम्बर भी चाहिए। और देख सकते हो, अबे यार चिड़िया देख ली क्या मेरे को, कसम से ये देख लिया भाई, और ये ठुनक ठुनक के मार देगी पहले अपने को। इससे पहले मैं क्या करूँ, इसको मार दूँ क्या यार? असल में ना मेरा ध्यान यहाँ पे नहीं है, मेरा ध्यान ना सामने पे जो एक एश ऑफ वॉर है कि इनकेंटेशन है क्या है मेरे को नहीं मालूम, मेरा ध्यान उस पे है यार। एक बार उसको ना मैं यहाँ से अटैक करके देखता हूँ अगर हुआ तो, क्योंकि ये चिड़िया तो बाहर निकलने देगी नहीं, तो एक बार यहीं से मार के देखता हूँ। इसकी बात कर रहा हूँ भाई मैं, आप लोग को दिख गया होगा। अब मे बी मैं इसको मिस कर जाऊँ, इसको मारूँ क्या भूतनी किले, क्या बात है। तो चलो ठीक है, एक काम करते हैं, इन लोग को मारने का एक तरीका है, अपन लोग इसको करेंगे रेडहान रेन, क्योंकि ये लोग बहुत सही लोकेशन में हैं और खाएंगे भी बहुत सही। और अच्छा भाई, लोगों को कोई ऐसा अटैक नहीं है जो ये लोग क्रॉस करके इधर से मारे भाई अपने को, जैसे हमारा अटैक है। इन लोग को अच्छा हुआ है कुछ वेपन वगैरह नहीं दिया, तो चलो अच्छा खासा रूम दे दे तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर वही सादा सुंदर चढ़ियल पूरा ताकत भर के भाई इन लोग अटैक कर रहे हैं हमने को। अबे यार ये तो ना मेरे को ना स्टेमिना ना इतना बेकार लगता है कि इसमें सारा हर चीज़ ख़त्म हो जाता है, मर भी रहे हैं कि नहीं ये लोग, यहीं पे आ गए हैं पता चल गया भाई, यहाँ शिकार है आ जाओ, तो पूरे परिवार वाले ही आ गए इनके। तो चलो यहाँ से अब इसको मार के ही जाऊँगा मैं, मे बी कुछ रूम्स मिल जाए। चलो एक तो निपट गया, एक की हिम्मत नहीं हो रही आने की, दो को देख के निपट गया, दो निपट गए क्या यार? चलो ठीक है, जितने भी निपटे हों। और ये मेरा एक आखिरी है तीर, जो इस बार तो इसको निपटा ही देगा, नहीं निपटा यार। चलो यार कुछ सिंपल ही तीर मार देता हूँ मैं, कभी कभी किस्मत ऐसा ख़राब रहता है ना भूतनी का। चलो मरे कि नहीं मरे सब, ये सड़ेला आइटम कौन उठाएगा। चलो ठीक है भाई, अपन लोग कहाँ पे जा सकते हैं, मैं असल में उस आइटम को मारना चाह रहा हूँ यार, और मैं नहीं चाह रहा हूँ कि मेरे को ये मार दें लोग,
देख के आगे पीछे से कहीं तो नहीं है ना लोग। चलो नहीं है तो एक बार ट्राई करके देखता हूँ यहाँ यहाँ से पड़ जाए तो, और मे बी आप भूतनी का नहीं पड़ा, छोड़ो टोरेंट आ मेरा भाई। तो भाई वो है, आपको दिख रहा होगा लोकेशन जहाँ पे जाना है अपने को, तो उस बॉस से लड़ना है भाई, जाना नहीं है बोलूँगा सीधा, बॉस से लड़ना है। तो चलो ठीक है, इसको ऊपर ही जाके मार के देखते हैं। और जाने से पहले साइड ऑफ से बैठ जाना, पता मरमुराइन गया तो भाई फिर लफड़ा हो जाएगा। अब यहीं से सामने है भाई बॉस का इलाका, तो चलो इसको सीट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि वो क्या है आइटम। तो यहाँ पे था शायद वो आइटम भाई, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। कहाँ गया वो आइटम? हाँ ये है भाई वो आइटम। तो एक काम करता हूँ, बो में रख लेता हूँ मैं, क्योंकि ये पक्का भागेगा भाई यहाँ से। अबे कहाँ गया वो, गया भाई ये, कसम से यार, कैसा टाइप का बंदा है यार। अभी किधर गया वो, गया भाई सड़ेला आइटम। चलो ठीक है कोई बात नहीं, छुपा ले भाई जहाँ छुपाना है, कब तक छुपाएगा। तो चलो भाई फाइनली हमारा बॉस आ चुका है, और मैं साइट ऑफ ग्रेस में पहले सेट कर लेता हूँ यार। तो चलो यार मैं साइट ऑफ ग्रेस में बैठ चुका हूँ, एक बार मैप ओपन कर लेता हूँ मैं। और देखो मैप ओपन करने के बाद मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले भाई अपन लोग इस लोकेशन से आए थे, और यहाँ से होते हुए अपन लोग भाई ऐसे ये समझ लो कि भाई माउंटेन टॉप ऑफ द जैंट का एक पार्ट है, और ये पार्ट अभी खुलेगा क्योंकि इसके लिए भी एक मेडिलियन चाहिए यार, और वो मैं बताऊँगा कहाँ पर मिलेगा। तो अपन लोग यहाँ से भाई इस जगह से यहाँ पे अब बॉस को मारे थे ड्रैगन को, फिर यहाँ से होते हुए अपन लोग ऐसे करके यहाँ तक आए थे यार। तो यार देखो अपन यहाँ पे जाएंगे ना यार, इसको बर्न करेंगे ना इस एरिया में। यहाँ पे एक है भाई बॉस, जिस साइड ऑफ ग्रेस में बैठा हूँ बस यहीं सामने ही बॉस है, और ये इस माउंटेन द टॉप ऑफ द जैंट का भाई सबसे बड़ा बॉस है वो। तो यहाँ पर मैं गया ना यार, तो ये पूरा पार्ट हो जाएगा कम्प्लीट, और यहाँ से हर ट्री बर्न हो जाएगा। बट ये पार्ट क्या है ना यार, अपने लिस्ट से छूट जाएगा इधर जो थोड़ा सा है। और यहाँ पर है भाई एक मोजेलियन जिसके नीचे बैल है जो रिमेम्बरेंस को डबल करता है, और एक बॉस भी है। तो चलो यार अपन लोग अब इस साइड ऑफ ग्रेस से अपन देख लेते हैं अपन लोग फुट ऑफ द फॉर्ज यहाँ पे आएंगे इस एरिया को क्लियर करने के बाद, और उसके बाद इसको बर्न करेंगे। और ये जो लोकेशन है यार ये भी बाद में खुलेगा, अपने यहाँ पर ही जाना पड़ेगा उस मेडेलियन को हैंड ओवर करने के बाद में। इस लोकेशन का यार एक नई मैप खुलेगा, बट इसको सबसे पहले यहाँ से मेडिलियन लेना पड़ेगा अपने को। तो चलो यहाँ पे चले जाते हैं, यहाँ छोटा सा इलाका है और उसको कंप्लीट कर लेते हैं, और उसके बाद में आगे आप मार सकते हो जेंट को और यहाँ से आप निकल सकते हो यार। क्योंकि देखो यार इसमें गेम में ऐसा कुछ स्टेज है कि जिसको आप नहीं भी खेलोगे यार, नहीं भी कंप्लीट करोगे यार, तो भी गेम पार हो जाएगा। बट यार हमारा पर्पस ये नहीं है कि अपन लोग गेम पार करें, बस ये है कि भाई अपन लोग ऑलमोस्ट हर लोकेशन को एक्सप्लोर करें। तो भाई देखा देता हूँ मैप से, अब मैं जा रहा हूँ यहाँ पे, छोटा सा जगह है यार, और ये एक छोटा सा कासल टाइप का है। यहाँ पे एक बॉस को लड़ना है और मेडिलियन को हासिल करना है, और उसके बाद में भाई यहाँ पे एक बॉस छोटा सा और आएगा, उसको भी कैसे मारना है मैं बता दूंगा। तो चलो ठीक है चलते हैं अपन लोग यहाँ से, और देखते हैं यहाँ पर क्या क्या आइटम छुपाए हैं भाई लोग। तो दिखा देता हूँ भाई किधर है, खुद तो दिख जाए पहले। तो भाई देखो यहाँ पे, चलो ठीक है यहाँ पे एक साइट ऑफ ग्रेस आएगा, अपन ये साइट ऑफ ग्रेस पे जा चुके हैं, बता चुका हूँ ये वाला, मतलब पहले आ गए हैं अपन लोग घूमते फिरते, गलती से एक बार आ चुके हैं। तो साइट ऑफ ग्रेस किधर गया भाई? ये तो भूतनी के लोग ऊपर से देखो निशानेबाजी कर रहे हैं। और किधर गया भाई साइट ऑफ ग्रेस अपना, बता देता हूँ मैं किधर गया। तो सामने है भाई साइट ऑफ ग्रेस, तो चले जाते हैं अपन लोग। और लेफ्ट साइड में भाई अर्थ ट्री का जो अवतार आता है हर बार की तरह, तो वो आएगा भाई अभी यहाँ पे। तो चलो उसको भी निपटा लेते हैं, उसको निपटाएंगे भाई तो अपने को अच्छा खासा रूम्स मिलेगा। और फिर चलेंगे थोड़ा राइट में जहाँ पे मोजिलियन है। तो चलो ठीक है यहाँ पे सिट कर लेते हैं।
और अब यहाँ से निकल लेते हैं। और देखो यार, अपन लोग साइट ऑफ ग्रेस नहीं गए हैं, साइट ऑफ ग्रेस बोल रहा हूँ यार, अपन राउंड टेबल नहीं गए, मैं अभी कुछ भी बोल रहा हूँ। तो भाई राउंड टेबल जाएंगे अपन लोग, क्योंकि हमारा जो क्लॉ मार्क सील है वो भी अपग्रेड होगा, और मे बी हम लोग को रेडहान का बो हो गया और ब्लास्फेमियस हो गया, सोमबा रेड मिल चुका है आपको याद पता है यहाँ से। तो भाई चलो, यहाँ पे आने वाला है वही अर्ट्री का अवतार, और उसको भाई मैं मारूँगा रोटन ब्रेथ से, क्योंकि उसको भी अपन लोग लिए हैं, ज़्यादा यूज़ करते ही नहीं हैं। तो चलो, आता है अपना ब्लैक नेफ्टिच और मैं कर लेता हूँ रिफ़िल। चलो भाई साहब, अब देखते हैं यहीं से उतरेगा ये, और ये मेरे ख्याल से मिक्स वॉन्डर्स वगैरह देगा शायद, और नहीं भी देगा तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग रूम्स दे दे भाग, अपन को रूम्स चाहिए लेवल अप करने के लिए। तो भाई इसको पढ़ भी रहा है कि नहीं? नहीं पढ़ रहा है, अब पढ़ेगा। तो गजब यार, अच्छा खासा अपने पास ही आ रहा है क्या? अब आ यार, एफ पी भूतनी का कब है, मार ब्लैक नेफ्टिच। चलो तो भाई, इसको आप ब्लैक नेफ्टिच को बस अटैक करने दिया करो, थोड़ा सा उसका क्या है ना, बॉस का थोड़ा सा ध्यान भटका था, ले फिर आप अपना फ़ायदा उठा सकते हो। अबे क्या कर रहा है ये भाई, स्प्लिट हो गया ये मेरे ख्याल से, यही अवतार है जो स्प्लिट होकर दो में कन्वर्ट हो जाता है, और कन्वर्ट होके भी क्या कर ले। अबे गया रे मैं, गया गया गया, बचा रे बचा रे भैया, बचो बचो, फिर से आ रहा भाई वो देखो उधर से। तो दोनों भाई अपने ही तरीके से अटैक करे पड़े हैं, और इसमें रियल कौन है भाई, दो दो हैं। चलो ये मेरे फ़िलहाल पास में, तो मैं इसको मारता हूँ, और ये फिर से मारा भाई अपना अटैक स्पेशल, और इसका भी हम लोग इनकैंडेशन मिला है, चाहे तो अपन यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक तो गया कोई, ये तो गया, ये गया कि दोनों गए? अच्छा भाई चलो, दोनों ख़त्म होते हैं यार, और देख लेते हैं भाई कितना मिल रहा है अपने को रूंस। अरे यार गजब यार, अच्छा खासा दिया भाई, और ये मिल गया अपने को मिक्स वॉन्ड्रस। तो चलो थोड़ा सा आगे चले जाते हैं, फिर उसके बाद चले जाएंगे भाई अपन लोग साइट ऑफ ग्रेस में, और साइट ऑफ ग्रेस में थोड़ा सा मिक्स वॉन्ड्रस को चेक कर लेंगे, क्योंकि हमको बहुत अच्छा अच्छा मिक्स वॉन्ड्रस मिल चुका है। और मे बी मेरे ख्याल से अब यहाँ पे ज़्यादा कुछ होगा नहीं यार, और कुछ है क्या भाई इधर, ये लोग रखे हैं क्या? अबे क्या घूम रहा है भाई इधर? तो भाई साहब यहाँ पे क्या रखे हैं लोग, ज़्यादा कुछ तो लग नहीं रहा भाई यहाँ पे, और ट्री का अवतार ही था शायद मेरे ख्याल से। चलो ठीक है भाई, ये रूट दिख रहा है जाने का, और मे भी यहाँ पे सोमवार 8 रहता है मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो भाई यही होगा सोमवार 8, सोमवार 8 है ना भाई तू? अरे भाई सोमवार 9 है। चलो हमको काफ़ी कुछ अच्छा मिल गया, तो भाई समझ जाओ कि हमारा ब्लास्फेमियस जो है वो हो जाएगा ब्लास्फेमियस या फिर रेडहान का बो, दोनों में से आपके पास ऑप्शन है, आप कुछ भी कर सकते हो। तो भाई चलो, अपने को जाना है उस साइट ऑफ ग्रेस में, वापस चले जाता हूँ एंशियंट स्नो वैली। अच्छा ये तो नहीं जाना अपने को, ये वाला है साइट ऑफ ग्रेस, तो यहाँ चले जाता हूँ वापस, और एक बार कर लेता हूँ, नहीं लेवल अप अभी नहीं करता यार, एक काम करते हैं अपन राउंड टेबल चले जाते हैं, क्योंकि यही है ना भाई, हाँ यही है साइट ऑफ ग्रेस। तो ये इसका नाम क्या भाई देख लो, स्नो वैली रून ओवरलॉक ओवरलुक सॉरी। तो चलो राउंड टेबल चले जाते हैं भाई, और क्या क्या अपग्रेड हो रहा है भाई कर लेते हैं, और मैं कोशिश करता हूँ कि अब ब्लास्फेमियस को कर लेता हूँ अपग्रेड, क्योंकि वो बहुत सही वेपन है, और उजी का ताना को तो अभी लगेगा टाइम, तो मैं ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगा अपना रूम्स, क्योंकि अपने को लेवल अप भी करना ना भाई, नहीं तो पता चल रहा है फिर बॉस कूटे पड़ा है अपने को, वेपन को क्या चार डालेंगे अपन लोग। तो चलो ठीक है, स्ट्रेंथन ब्लास्फेमियस, चलो इसको कर देता हूँ यार मैं 9, और चलो यार अपने पास एंशियंट तो है ही चीनी, चलो ठीक है रेडान भी हो जाएगा, और 9 अपने पास था। चलो हमारे स्मिथिंग स्टोन 7 हो गया, उजी कताना को 8 चाहिए, और क्लॉ मार्क सील को चाहिए 7। तो चलो ठीक है यार, जितना भी अच्छा खासा हो गया अपग्रेड, और मैं कुछ सेल करके देखता हूँ है कि अपने पास। चलो भाई अब देखो यार, मॉर्गॉट का जो अपन जिसको मारे थे उसका अपने को रिमेम्बरेंस मिला, बट मैं बताया ना, आप चाहो तो ले सकते हो, यहाँ पे मैं लेवल अप कर लेता हूँ भाई,
और लेवल अप अपने को क्या करना था, कुछ था क्या स्पेशल हमारे लिए? फेथ, फेथ को कर रहे हैं तो चलो फेथ को कर रहे हैं तो अपना जो सेकंड है वेपन मेरे ख्याल से ब्लास्फेमियस वो बढ़ रहा है, और अगर मैं स्ट्रेंथ को करता हूँ तो क्या बढ़ रहा है, सब बढ़ रहा है। तो स्ट्रेंथ को करना चाहिए अपने को कि इसको, यार ये इतना कम कैसे है, चलो ठीक है छोड़ो हटाओ, स्ट्रेंथ को करता हूँ मैं मे बी सब तो बढ़ रहा है भाई स्ट्रेंथ में कम से कम, तो एक दो के पीछे भागते नहीं हैं। और 52 अपने को चाहिए कितना भाई, रून नीडेड कितना हो रहा है, क्योंकि मैं नहीं चाहता भाई वेस्ट हो जाए मर मुरे इनके कहीं पे भी। तो चलो ठीक है आप लोग चले जाते हैं वहीं पे ही। चलो भाई साहब ये मेरे ख्याल से कौन सा था, ये था। तो यहाँ पे भाई अब समझ लो कि एक बॉस और आएगा, दो बॉस आएंगे अब दो, और एक वो नाव वाला भी आएगा जो अपने कंकाल को भेजता है उसका रक्षक, तो उसको अपन यहीं से मार सकते हैं, उसके उतना तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। अब उसको कैसे मारते हैं देखो आप, और वो है भाई मोजेलियन दिख रहा होगा तो उसको भी अपन लोग करेंगे क्लियर। और ये है भाई जिस बंदे की मैं बात कर रहा था, तो चलो इसको यहीं से निपटा लेते हैं, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा आगे जाओगे तो भाई अपने स्कल वाले बंदे को बुला लेगा, तो मैं नहीं चाहता कि ये बुला ले। तो चलो रेढ़ान का किस दिन काम आएगा देखता हूँ मैं, रेढ़ान रेन करके। अबे यार कितना ख़त्म टेप का स्क्राइब जा रहा है यार, कई सौ साल लग जाएगा इसको मारने में। तो और अपने पास कुछ आइटम है क्या, तो इसको मैं एक बार मार के देखूँ क्या इससे, और लग जाए तो मज़ा आ जाएगा, नहीं लगा यार। चलो अपन लोग थोड़ा सा पास चले जाते हैं और यहाँ से कोशिश करते हैं इसको स्कारलेट रॉड देने की। चल भाई खा ले रोड को, और स्कारलेट रोड से भी मार सकते हो, रेडान रेन को भी यूज़ कर सकते हो, तो उससे स्कारलेट रोड क्या रहता है, एक्टिवेट रहता है कुछ समय तक, चलते रहेगा उसका डैमेज। चलो रोड तो अपना काम सही कर रहा है, और एक और दे देता हूँ भाई इसको, ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया अपना एक। अब चलो रेढ़ान भाई साहब अब आ जाइए, तो ये अपने स्कल को बुला रहा भाई, इसका स्कल तो पता नहीं कहाँ है, वो बंदा अलग ही रोल वाला है। अपने पास होली वेपन भी नहीं है भाई बताओ। चलो ठीक है भाई लाइफ तो उसका 50% हो ही चुका है, अब धीरे धीरे अपना स्कारलेट रॉड भी अपना कमाल दिखा रहा है। देखो यार मैं तो यही बोलूँगा भाई कि जो बंदे लॉन्ग रेंज वेपन रेढ़ान रखते हैं, साथ में एक इनकेंटेशन रहा स्कारलेट रॉड भी रखना भाई, तो जैसे कि हम लोग मॉर्गॉट को मारे हैं स्कारलेट रॉड से तो बहुत सही रहता है यार, काफ़ी अच्छा डैमेज होता है। अबे यार ये तो मेरे को ना अपना स्टेमिना ना दिमाग ख़राब कर देता है। अरे भाई चल मर जल्दी, अभी यहाँ पे एक और बॉस आने वाला है यार, तो वो भी अभी अच्छा खासा दिमाग चाक खाएगा वो। तो चलो यार यहीं पे पूरा ख़त्म हो जाएगा लग रहा है अपना। तो देख सकते हो भाई स्कारलेट रोड कंटिन्यूशन में 7000 पहुंच चुका है, और चलो अब मेरे ख्याल से मैं इसको नॉर्मल मार देता हूँ, पड़ेगा तो शायद। चलो ख़त्म हो गया क्या, चलो भाई ख़त्म हो गया है, और रूम्स भी उतना ज़्यादा नहीं मिला यार। तो चलो भाई इसका स्कल वाला बंदा हेल्पर जो है वो अब कोई यूज़ का नहीं है, वो पूरा यूज़लेस हो गया होगा, अब कहीं मुँह छुपा के बैठा होगा। तो भाई देखो अब यहाँ पर आता है भाई दूसरा एक और बंदा। अबे यार क्या ये भाई क्या बात है, चलो रूम्स मिला है भाई, और ये अब बेकार है, रूम्स के नाम पे धोखा है। तो चलो भाई यहाँ पे आने वाला एक बंदा, अब उसको कैसे निपटाना है वो भी दिखा देता हूँ मैं। और किधर गया भाई अपना, अब आ यार कितना बच रहा है मेरा, थोड़ा सा तो मैं नहीं लूँगा फ्लास्क, मैं इससे बढ़ा लेता हूँ क्योंकि बेवकूफ़ी है भाई उतने के लिए पूरा फ्लास्क ख़त्म करोगे, ये धीरे धीरे उसको कर देगा। और थोड़ा वेट करो तो समन हो जाएगा हमारा ब्लैक नेफ टिच, और इसको भाई मैं अलग तरीके से मारूंगा देखना थोड़ा सा। अब इसको अपन लोग एक बार इसके भाई लोग को मारें, अब ये पता नहीं यार कैसा टाइप का बंदा है, अलग ही बुद्धि का है। तो यहाँ से थोड़ा चले जाओ, और किधर गया ये आ गया भाई वो, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ जंप 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 जंप, तो भाई ये है अपना जंपिंग जपाक जंपक जंपक। ठीक है इधर आ जाओ, और
आपका जो बोलना चाहिए कि कहाँ गया ब्लैक नाइट, टीजी भी जिंदा रहेगा। और भाई निकाल लो सीधा अपना स्कारलेट रॉड, मैं पहले स्कारलेट रॉड ही यूज़ करता हूँ, तो क्या थोड़ा सा स्कारलेट रॉड बिल्डअप कर देता है पॉइजन यार, तो क्या रहता है कि अपना जो ब्लैक नाइट पीछे वो मारता भी रहेगा ना। अबे किधर गया ये, अब भाई यार सही वक्त पे टारगेट से हट गया ये। चलो ठीक है, मैं इसको बस स्कारलेट रॉड लगाना चाह रहा हूँ ताकि क्या है कुछ भी अटैक होता रहा इसके ऊपर ना, तो स्कारलेट रॉड बिल्डअप होते रहता है। अबे यार कसम से लो नहीं भाई मेरे, मैं तो जानता ही नहीं हूँ, मैं तो कटना पड़ेगा भाई अपने को यहाँ से। तो मैं किधर से आया था भाई, हाँ ये था मेरा रोड। अब देखो यार एकदम फेस टू फेस हर बार तो मारते ही रहते हैं हम लोग अपने सारे बॉस को, और वैसे भी मारना ही पड़ेगा, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉस अभी आने वाले हैं, तो भाई कुछ ना कुछ तो अभी इधर खुरापाती करना चाहिए यार। क्या हर बार अपन लोगों मार भाई, जल्दी मार एकदम, एग्जैक्ट टारगेट पे है अपना। चल भाई क्या टीच ऊपर आ गया क्या, तो भाई इसको एक बार स्कारलेट रॉड लग जाए बस यार, फिर उसके बाद में कोई टेंशन नहीं है बॉस। लग गया क्या इसको, चलो मैं ज़्यादा वेस्ट नहीं करता स्कारलेट रॉड, और अब मैं करता हूँ अपना रेडहान रेंज, क्योंकि रेडहान का देखो यार डैमेज सही होता है, और रेडहान को अभी अपन बढ़ा भी लिए। और किधर गए भूत, अभी ख़त्म होगा ना भाई इसका स्कारलेट रॉड, तो ही अपन लोग इसको फिर बिल्डअप करेंगे, तब तक ले नमस्ते करते हैं। चलो डैमेज तो रेडहान सही कर रहा है क्या, अरे मेरा स्टेमिना यार, तो भाई उसको तो बोलना चाहिए कि अबे मेरे को नहीं पढ़ना भाई। चलो भाई साहब ऊपर से निकल गया, तो ये है, तो भाई साहब देखो यार वो क्या क्या मार रहा है वो उसको ब्लैक नेप्टीज को, देखो ऊपर से पूरा 300 मूवी की तरह पूरा एरो को बारिश कर दिया था भाई वो। तो भाई बस देखो कुछ नहीं है, अब मैं भी जितने बार खेला हूँ भाई तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होता ही था, करके सब बंदे कुछ ना कुछ ट्रिक निकाल ही लेते हैं, ऐसा नहीं कि इसको नहीं मार सकते यार। चलो ये क्रिटिकल मोड में आ गया, अब मेरा तो ब्लैक नेप्टीज भी अच्छा ही खेल रहा है भाई। अब देखो इसको मारने का रीज़न ये है भाई कि चाहते तो इसको डॉज करके जा सकते थे भाई, ज़रूरी नहीं है कि हर बॉस को आप मारो, क्योंकि इस गेम को ऐसे ही बनाया गया भाई, आप इजली डॉज भी कर सकते हो, अब पता नहीं क्यों ऐसा बनाया गया बट वैसे ही है। अब यार चलो भाई इसके बाद ऐसे ही सेटअप बेस आ जाएगा, तो टेंशन रखो, बस इसको पटक पटक के चक्को। अब गया मैं आखिरी में, नहीं मरना चाहता भाई मैं, गया क्या ये भूतनी का। चलो भाई निकल गया है ये, और ये देगा भाई अपने को अच्छा खासा रूंस, तो चलो भाई बहुत सही रूंस मिला है, और वेपन इसका मैं यूज़ करता हूँ नहीं, तो चलो भाई चले जाते हैं नीचे, और नीचे तो यहाँ से भी जा सकते हैं भाई। चलो भाई नीचे चले आते हैं, और नीचे से अपने को जाना कहाँ पे है चलो मैं बता देता हूँ। अब आएगा भाई सीधा हमारा मोजेलियन, इसको उठा लेना भाई फोकट का चंदन घिस मेरे नंदन, और यहाँ से गिरा पड़ जाओ। कुछ आइटम छुपाया क्या रहे तुम लोग, कोई आइटम छुपाया है क्या यहाँ पे, कोई आइटम नहीं है यहाँ पे बताओ। और यहाँ पे बिजली चमक रहा है, यहाँ पे कुछ आइटम है क्या भाई, कुछ नहीं है, गरीबी है वो यार, इतना इलाका इतना गरीब है क्या। तो चलो भाई ये है मोजेलियन, तो सबसे पहले साइट ऑफ ग्रेस में सिट कर लेना भाई, टच कर लेना, नहीं तो कोई गारंटी नहीं है, नहीं पड़ जाओगे तो फिर लंबा चला दौड़ के आओगे, क्योंकि मोजेलियन के पैर के नीचे आना भी एक तो मतलब सर दर्द है भाई, ठीक है ज़िंदगी तबाह कर देता है वो आदमी, देख रहे हो पावर है नहीं लेकिन कुचलता बहुत सही है। तो बैठ के थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेता हूँ यार मैं, और थोड़ा लेवल अप भी कर लेता हूँ। लेवल अप क्या करें अपन लोग भाई, स्ट्रेंथ नहीं करते इस बार, फेथ में डिफेंस पावर हमारा बढ़ रहा है, और चलो यार इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ HP को, छोड़ो हटाओ। अबे फिर बच गया यार 50,000 कुछ, एक काम करता हूँ, अपने को वो मिला था यार एक तो रूंस बड़ा वाला, इसको देखता हूँ लेके कितना दे रहा है भाई, तो भी नहीं होने वाला। चलो ठीक है यार अपन ये मोजेलियन को शांत कर लेते हैं, और इसमें आप लोग रिमेम्बरेंस डबल कर सकते हो, डबल मतलब डुप्लीकेट कर सकते हो यार, डबल तो नहीं बोलूँगा मैं, बस दो तीन वेपन जो रहेगा, खैर आज तक तो दो तीन तो नहीं मिला है, दो मिला है कोई भी बॉस का, अब कौन सा बॉस है भाई इसमें जो तीन रखता है मालूम नहीं मेरे को। तो पहले एक ही पैर का करते हैं क्लियर यार, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। अब यार
दो मिनट सांस क्यों नहीं लेता भूतनी के मारना तो दे। पता नहीं नहाता धोता है नहीं दलिद्दर आदमी। पूरे पैर में कहाँ ये ले गया चपके अपन लोग। क्या बढ़िया भाई एकदम राइट टाइम पे। और हमारे टोरेंट को तो पूरा सर घुस गया उसके पैर में। अबे बैठेगा कि नहीं बैठेगा भूतनी के। चल तोड़ जल्दी। तो चलो भाई ये बैठता भी है तो पता नहीं चलता कभी बैठेगा। बैठ रहा है क्या? बैठ रहा है बैठ रहा है बैठ रहा है बैठ रहा है क्या? अबे यार धोखा दे रहा है ये तो। चलो अबे जल्दी बैठ। चलो ये भी गया एक और गया। ये बैठ रहा है पक्का बैठेगा ये। बैठ जा। तो भाई ठीक है अब इसको जाके आप लोग डबल कर लेना रिमेम्बरेंस को। मैं तो फिलहाल नहीं करूँगा क्योंकि तो है ही नहीं कुछ करने के लिए डबल तो क्या करेंगे अपन लोग। चलो ठीक है।